हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स का चैप्टर 2 देखेंगे मेरे दोस्त। पहले चैप्टर को हमने 3 पार्टों में बहुत ही बेहतरीन ढंग से कवर किया है, ठीक है। अच्छा, पहले चैप्टर में हमने कुछ चीजें मिस भी करी है, छुट्टी भी है, लेकिन आप ये ना सोचे कि हमने वो मतलब भूल से छुट्टी है, भूल से नहीं, वो जान के छुट्टी है। क्यों छुट्टी है? क्योंकि कुछ चीजें दोस्तों फिजिक्स को जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो चैप्टर वाइज उनके बातों को हम जानेंगे, ठीक है। तो आपको समझना है, अभी हम चैप्टर शुरू करेंगे फिजिक्स का। बहुत ही अच्छा चैप्टर दोस्तों, ये शायद मुझे लग रहा है दिख नहीं रहा होगा यहाँ से आपको, मैं बता देता हूँ। चैप्टर का नाम हो जाएगा मेरे भाई हीट, जिसको कहते हैं ऊष्मा, ठीक है भाई साहब। आप देखेंगे मैं भाई साहब ऊष्मा को इतनी बेहतरीन तरीके से आपको कवर कराऊंगा कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आप ना छोड़ के आए। ग्रुप डी के लिए बहुत ही स्पेशल दोस्तों, ये समझ लीजिए ये हमारी जो साइंस है ग्रुप डी स्पेशल ही है। बिल्कुल ग्रुप डी में चांस है, और चांस क्या पूरा पूरा प्रयास है, तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, फिजिक्स को बहुत ही आसान तरीके से हम पढ़ेंगे। अच्छा एक और बात मैं बता दूं, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, बुरी लगे तो डिसलाइक भी करें भाई साहब, ठीक है। चलिए अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपका आंसर जरूर दूं अगर आप कोई पूछना चाहते हैं कुछ भी चीज, ठीक है। तो चलिए ऊष्मा की अगर हम बात करें भाई साहब, तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि ऊष्मा होती क्या है, ऊष्मा होती क्या है और ऊष्मा क्या होती है, ये मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा सकता हूँ। जैसे भाई साहब आपने चाय आप पीते हो, गरम गरम चाय, और आपने क्या काम करा, जल्दी से चाय आई और कफ उठाया और गड़क गया, तो होगा क्या भाई साहब? तो भाई साहब जल गई जीभ, जीभ स्वाद नहीं आया, कहावत है पता नहीं कैसे कैसे, तो होगा क्या, कुल मिलाकर के आपकी जीभ जल जाएगी, यानी गर्माहट का एहसास होगा आपको जब आप उस गर्म चाय को पी जाएंगे, तो आपको कैसा एहसास होगा, गर्माहट का एहसास होगा मेरे दोस्त। अच्छा तो ये जो गर्माहट का एहसास हुआ है ना, क्यों हुआ है, यही गर्माहट है आपकी ऊष्मा, बात आई समझ में। अच्छा एक और बात मेरे दोस्त बहुत बेहतरीन तरीके से हमें समझना है कि सिर्फ गर्माहट का एहसास ही ऊष्मा नहीं है। अगर मैं आपके हाथ पर एक बर्फ रख दूं, बर्फ का टुकड़ा रख दूं, तो उस समय आपको तो गर्म तो लगेगी नहीं, लेकिन ठंडक महसूस होगी, बहुत ज्यादा ठंडक महसूस होगी मेरे भाई, यानी तो ये जो ठंडक का एहसास है ना, ये भी ऊष्मा कहलाता है। तो बात को समझना आप, या तो गर्माहट, गर्माहट या फिर हम कहें ठंडा, ठंडाहट, यानी या ठंडा महसूस होना किसी चीज का, किसी चीज का गर्माहट, गर्म महसूस करना या फिर उसको ठंडा महसूस करना, यही क्या है, यही ऊष्मा है। ऊष्मा यानी गर्म और ठंडा दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है मेरे भाई। सिर्फ इतनी बात कहने से हमारा काम नहीं चलेगा कि गर्माहट का एहसास करना ही ऊष्मा है, ठंडक का एहसास करना भी क्या है, ऊष्मा है मेरे भाई। तो ठंडक का एहसास करना भी क्या है, ठंडक का एहसास करना भी क्या है, ऊष्मा है। आई बात समझ में भाई साहब? तो ऊष्मा को हमने समझ लिया। अच्छा अब ऊष्मा के मात्रक क्या होते हैं, जरा इसके मात्रकों की बात करूं मैं, मात्रक। हालांकि हमने पहले चैप्टर में इसके मात्रक को बता दिया, फिर भी मैंने कहा ना हर चीज आपके अलग अगले अगले चैप्टर में चीजें आएंगी पहले चैप्टर की। तो ऊष्मा का जो मात्रक होता है भाई साहब, वो जूल होता है। क्या होता है? जूल। लेकिन ये जो जूल होता है ना, ये आपका एसआई सिस्टम में है। मैंने आपको 4 पद्धतियां बताई थी भाई साहब, लेकिन कहा था कि ज्यादातर फेमस एसआई होती है भैया, ठीक है, एसआई पद्धति के बारे में हम ज्यादातर पढ़ते होते हैं। तो इसका मात्रक क्या है? जूल है। और किस पद्धति में है ऊष्मा का मात्रक? जूल, एसआई पद्धति में, ठीक है। अच्छा इसके आगे भी अगर हम बात करें, अच्छा अभी यहीं पर देख लेते हैं, इसका मात्रक अभी और भी है। और क्या मात्रक है इसका? है कैलोरी, कैलोरी, ये बहुत फेमस मात्रक है इसका, कैलोरी, जो कि है सीजीएस, सीजीएस पद्धति में इसको क्या कहते हैं मेरे भाई? कैलोरी कहते हैं, ठीक है जी। तो इसके 2 मात्रक मैंने आपको बताए, मात्रक इसका जूल एसआई मात्रक होगा, कैलोरी इसका सीजीएस मात्रक होगा। आई बात समझे भाई साहब ऊष्मा के बारे में? अच्छा मैं एक बार देख लू, वीडियो ब्लर हो जाती है इसमें कई बार, अरे मुझे लग रहा ब्लर ही होगी क्या, सही है, चलो खैर कोई बात नहीं, मुझे लग रहा था ब्लर है, हालांकि नहीं है। चलिए अच्छा
तो इसके बाद अगर हम देखें मेरे दोस्तों, दो मात्रक मैंने आपको बताए, लेकिन एक और मात्रक इसका आपको याद रखना है जो पेपर में पूछा भी जाता है कि ऊष्मा का एक और मात्रक है भाई साहब, उसको कहते हैं अर्घ। क्या कहते हैं? अर्घ। और ये अर्घ मात्रक जो है ये सीजीएस पद्धति का मात्रक है। अर्घ भी किसका मात्रक है? सीजीएस पद्धति का मात्रक है। तो सीजीएस पद्धति के ऊष्मा के दो मात्रक है, एक तो कैलोरी हो गया आपका, एक हो गया आपका अर्घ। आई बात समझ में यहां तक मेरे दोस्त? तो कैलोरी हो गया और एक क्या हो गया आपका? अर्घ हो गया। तो अच्छा, अभी अगर इसमें हम और देखें मेरे भाई, तो इसमें और हम क्या देखेंगे कि भाई साहब ये जो आपकी हीट है, ये जो आपकी ऊष्मा है, इसके विषय में जिक्र किए गए होंगे, ठीक है। तो इसके विषय में पहले एक वैज्ञानिक आए मेरे भाई, रमफोर्ड। नाम है रमफोर्ड। इन रमफोर्ड भाई साहब ने ऊष्मा का जो है जिक्र किया। बात आप समझ रहे हो? ऊष्मा को महसूस किया, ऊष्मा के बारे में जिक्र किया इन्होंने, रमफोर्ड भाई साहब ने, ठीक है। लेकिन उसको प्रॉपर ये क्या नाम है, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाए उसकी, परिभाषा नहीं दे पाए उसकी, ठीक है। तो इनके बाद क्या हुआ, इनके बाद क्या हुआ, एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है डेवी। क्या नाम है? डेवी। डेवी ने क्या काम करा, इसको सिद्ध कर दिया। क्या कर दिया इसको? सिद्ध। डेवी ने इसको मेरे भाई सिद्ध कर दिया ऊष्मा की बात को, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो रमफोर्ड है, भाई साहब एक ऊष्मा भी है, कोई चीज जो हमें गर्माहट ठंडा आपका महसूस कुछ कराती है, नहीं उसको प्रॉपर वे में नहीं बता पाए, ठीक है। उसके बाद में जो डेवी भाई साहब है, ये डेवी इन्होंने क्या, उसको सिद्ध कर दिया। अच्छा, इनके बाद एक और वैज्ञानिक आए भाई साहब, आप नाम भी जान रहे होंगे उनका, जूल। क्या नाम है जी? जूल। जिसके नाम पर इसका एक मात्रक भी रखा गया है, जूल। इस जूल ने क्या काम करा, जूल ने ये बात क्लियर कर दी कि हाँ भाई साहब इसका मात्रक जूल होता है। और ये बात बताई उसने कि जो एक कैलोरी है ना, एक कैलोरी ये कितने जूल के बराबर होती है, तो ये होती है 4.186 जूल, ठीक है जी। 4.186 जूल के बराबर होती है। और भाई साहब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, स्टार लगा लो इस पे, क्योंकि ये ग्रुप डी 2018 में ज्यों का क्यों छपा भाई साहब, ज्यों का त्यों ऐसे ही पूछा सिर्फ इतना सा क्वेश्चन कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं। अब ऑप्शन आपके सामने है, 4.186 जूल होते हैं एक कैलोरी में मेरे भाई। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, एक कैलोरी में अगर इसको मैं राउंड ऑफ करके लिखूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 4.2 जूल होते हैं, 4.2 जूल होते हैं किसमें मेरे भाई, एक कैलोरी में। तो ये बात भी गलत नहीं है, कुछ किताबों में आपको ये लिखी मिल जाएगी, कुछ में ये लिखी मिल जाएगी, और कुछ में हो सकता है 4.185 लिखी मिल जाए आपको, ठीक है। तो एक कैलोरी में ये क्या होती है, एक कैलोरी में ये ऊष्मा होती है मेरे भाई, ठीक है जी। चलिए, अच्छा अभी ना मैं इसमें आपको एक चीज और बताता हूँ मेरे भाई, इस कैलोरी का जिक्र करता हूँ, ठीक है। ये कैलोरी क्या है तो समझते हैं जरा, कैलोरी, ठीक है। इस कैलोरी की अगर मैं बात करूं तो कैलोरी का मतलब है कि भाई साहब आप मान लीजिए कि कोई जल है, मान लीजिए, है नहीं, कैसे क्या मान लेंगे मेरे भाई, कोई जल है, और जल कितना है, तो 1 ग्राम जल हम मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास में 1 ग्राम जल है। अब इस 1 ग्राम जल को, इस 1 ग्राम जल का टेम्परेचर यहां मान लेता हूं, मान लीजिए कि मैं 14 है इसका, सॉरी 14 टेम्परेचर मान लिया, लेकिन अब मुझे क्या करना है, 14 डिग्री सेंटीग्रेड को इसको आगे बढ़ाना है, यानी इस टेम्परेचर को कितना करना है मुझे, इसको करना है मुझे 15 डिग्री सेंटीग्रेड, है नहीं। तो देखो 1 ग्राम जल को, ये क्या है, 1 ग्राम जल, 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा खर्च होती है उसे कहते हैं मेरे भाई एक कैलोरी। बात आई समझ में? ये परिभाषा जो कि क्यों आपके ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में छपी हुई है, इसलिए इसको भाई साहब लिख लेना, चाहे याद कर लेना, कैसे भी समझ लेना। मैं क्या बोल रहा हूँ, दोबारा आप मेरी बात को समझिए कि भाई साहब 1 ग्राम जल को, अगर मैं 1 ग्राम जल को और उसका जो तापमान है, उसके तापमान को 1 डिग्री बढ़ाना चाहता हूं, 1 डिग्री बढ़ाना चाहता हूं, तो मुझे कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जितनी भी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ये बात अभी क्लियर नहीं है कितनी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन
जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जितनी मैं ऊष्मा लूंगा उसी को क्या कह दूंगा मेरे भाई, एक कैलोरी कह दूंगा। मेरी बात आ रही है आपको समझ में? एक कैलोरी में किसको कहूंगा? अच्छा ठीक है ना, ठीक है। तो इसके बाद एक चीज और मैं आपको बता दूं मेरे भाई, कि एक शब्द मिलेगा आपको ताप, मान लगा दो इसके आगे, है ना, ताप कह दो या फिर तापमान कह दो। अच्छा ये ताप या तापमान का क्या मतलब है जरा इसको भी हम समझ लेते हैं बहुत ही बारीकी से, ठीक है। तापमान या ताप का जो मतलब है मेरे भाई, वो सिर्फ इतना सा है कि कोई चीज गर्म है या ठंडी है, कोई चीज गर्म है या ठंडी है। और भाई साहब एक और बात मैं आप, कि ये जो है ये उसका क्या होगा, एक गुण है। ये क्या है? उसका एक गुण है कि कोई चीज ठंडी है या गर्म है, सिर्फ इतनी सी बात को बताना क्या कहलाता है, ताप कहलाता है, तापमान कहलाता है। बात आ रही है समझ में आपको? अभी चीजों से ऊपर ऊपर से जानकारी ले रहे हैं, उसके बाद चैप्टर के अंदर हम घुसने वाले हैं। पहले जिन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी हम उन चीजों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो ताप का मतलब आप समझ गए मेरे भाई, ठीक है। अच्छा ये जो कैलोरी वाली जो परिभाषा मैंने आपको बताई है, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आप याद कर लेंगे क्योंकि यही पेपर में पूछी जाती है। हाँ जी, तो चलिए बाकी अगर इसके बारे में और हम जानेंगे अभी इस चैप्टर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से चीजों को जानेंगे, ठीक है। चलिए, ये आपकी ऊष्मा है, ऊष्मा से हमने थोड़ी सी बातें जानी मेरे भाई। अच्छा अब इस ऊष्मा, अब इस ऊर्जा, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा भी है, इस बात को आप जानती हो। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा है। और ऊर्जा के विषय में आप इस बात को अपने गांठ बांध लेना मेरे भाई, हमेशा याद रखना कि ऊर्जा जो ऊष्मा होती है, ऊर्जा या फिर ऊष्मा भी हम कह सकते हैं, ये ना तो कभी उत्पन्न की जा सकती ना इसको कभी नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। इस बात को मेरी बहुत बेहतरीन तरीके से समझना आप, कि ऊर्जा की बात अगर हम करें। अच्छा एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं, चलो उससे पहले आप इस बात को समझिए कि भाई साहब जितना हम वर्क करते हैं ना, वर्क करते हैं जितना हम, ठीक है, उतनी ही क्या हमें हीट प्रोड्यूस होती है, उतनी हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है। जैसे अभी अगर मैं वर्क करूं, मान लीजिए मैं अपने दोनों हाथों को रगड़ू, आप खुद रगड़ के देखिए तो आपको हीट हाथों में गर्माहट महसूस होगी। तो मैं अगर वर्क कर रहा हूं तो गर्माहट महसूस हो रही है, जैसे मैंने वर्क करना बंद कर दिया, अब मैं अगर इन्हें चिपका भी लूं तो वो गर्माहट महसूस नहीं होगी। अलग हटा लो, वर्क ही नहीं कर रहा जब मैं, तो महसूस होने ऊष्मा कहां से होगी? तो वर्क जो है वो डायरेक्ट क्या है, समानुपातिक है, डायरेक्ट समानुपातिक है किसके मेरे भाई, ऊष्मा के, ठीक है जी। बात आप समझ पा रहे हो? जितना हम काम करेंगे, उतना ही क्या होगा, ऊष्मा मिलेगी हमें, उतनी ही ऊष्मा हमें मिलेगी। जैसे अगर मैं बात करूं, बाइक के इंजन वगैरह होते हैं, गाड़ियों के इंजन होते हैं, उनमें क्या है, हम यांत्रिक कार्य उनसे कराते हैं, बाइक के टायर भी होते हैं, ठीक है, यांत्रिक कार्य यानी हम उनको घुमा रहे हैं। अगर मान लीजिए आप एक कुछ भी पहिए को, कुछ भी कपड़े को आप घुमाने लगे, किसी भी चीज को आप घुमाएं, तो ऐसी स्थिति आएगी आपको गर्माहट महसूस होने लगेगी, ठीक है जी। तो ये क्या है, कार्य अगर हम करेंगे तो ऊष्मा हमें मिलेगी मेरे भाई, ठीक है। बात इतनी सी आप समझ पा रहे हो? अच्छा अभी मैं अगर आपको बताऊं तो ऊष्मा जो है इसको मापने के लिए क्या करा है, इस ऊष्मा को मापने के लिए कुछ यंत्र बनाए गए, जरा उन यंत्रों की भी बात कर लेते हैं हम, और भी बहुत सारे यंत्रों की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ऊष्मा को मापने के लिए एक आप जानते हो एक पैमाना बनाया हुआ है, उस पैमाने का नाम है क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड। आप इस बात इस शब्द आपने देखा होगा, खूब देखा होगा डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा सा बड़ा बना दूं, नहीं दिख रहा होगा, तो ये रहा मेरे भाई डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी। अच्छा एक और आपने पैमाना देखा होगा फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट, ये क्या है मेरे भाई, ये डॉक्टरों के पास होते हैं थर्मामीटर जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा एक और होता भाई साहब आपका, एक होता है केल्विन पैमाना, क्या होता है, एक केल्विन पैमाना होता है। अच्छा कट तो नहीं रहा है ना, देख लूं मैं उतना ऊपर दिख रहा, हाँ बिल्कुल सही है, एक केल्विन पैमाना होता। अच्छा एक और पैमाना भी होता है जिसको कहते हैं रूमर, ठीक है भाई साहब, रोमर। ये कौन सा, डिग्री सेंटीग्रेड वाला पैमाना है या आपका फारेनहाइट पैमाना है या आपका केल्विन पैमाना है और ये आपका रोमर पैमाना है, ठीक है जी। अच्छा इस पे अगर हम देखें, अगर मान लीजिए मैं इसको क्या बना देता हूँ, ए लीजिए, एक मैंने पैमाना बना दिया, ये लीजिए एक ये पैमाना बना दिया, और एक ये लो मैंने एक और पैमाना बना दिया,
और एक ये लो, एक और पैमाना मैंने बना दिया, ये चार पैमाने मैंने बना दिए। अच्छा अब मैं बात कर रहा हूँ इन पैमानों की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही होगी। तो देखिए ये जो है ये होता है भाई सब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू होता है और कहां तक जाता है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है भाई सब, ठीक है। ये इस पैमाने की माप है, डिग्री सेंटीग्रेड जो पैमाना है वो 0 से 100 तक का तापमान को मापता है, ठीक है। अच्छा ये जो फारेनहाइट है ये आपका 32 फारेनहाइट से शुरू होता है, कहां से शुरू होता है, 32 फारेनहाइट से शुरू होता है और जाता कहां तक है, ये 212 तक, कहां तक जाता है, 212 फारेनहाइट तक ये जाता है। अच्छा बात करें अगर हम केल्विन की, तो केल्विन जो है मेरे भाई वो 273 से शुरू होता है और जाता कहां तक है, ये 373 तक जाता है, ठीक है जी। 273 से शुरू होता है, 373 तक ये मापता है तापमान को मापता है। अच्छा एक रोमर भी है, ये जो रोमर है ये 0 से शुरू होता है और ये 80 रोमर तक जाता है, कहां तक जाता है, 80 रोमर तक जाता है भाई साहब। अच्छा इतनी सी बात आपको समझ आई होंगी, ये चार पैमाने हैं हमारे, डिग्री सेंटीग्रेड का, फारेनहाइट और ये केल्विन का और ये रोमर का। अच्छा डिग्री सेंटीग्रेड कहां से कहां तक का ताप मापता है, 0 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री तक का ताप मापता है। अच्छा ये जो फारेनहाइट है ये 32 से लेकर के 212 फारेनहाइट तक मापता है, केल्विन आपका 273 से लेकर 373 तक मापता है और रोमर जो है वो 0 से लेकर के 80 तक मापता है। अब मेरी बात को समझना आप, अब 0 से लेकर के 100 तक का तापमान तो हमारा ये सेंटीग्रेड ही माप रहा है, तो फिर हम रोमर को इस्तेमाल क्यों करेंगे, बात समझ पा रहे हैं, ये तो 20 हमें कम दे रहा। मान लीजिए पैमाने मार्केट में बिक रहे हैं, अब आप कौन सा लेना पसंद करोगे, भाई रोमर पैमाना भी 40 रुपए का आ रहा है और ये आपको मिल रहा है ये 40 रुपए का आ रहा है, ये लेकिन 0 से 80 तक का ही ताप माप सकता है। इधर आपको डिग्री सेंटीग्रेड वाला पैमाना भी मिल रहा है, ये भी 40 रुपए का आ रहा है और ये 0 से 100 तक का ताप माप रहा है, तो भाई साहब हम इन दोनों में से किसको पसंद करेंगे, हम तो इसे लेना पसंद करेंगे, बस 40 में हमें 20 डिग्री एक्स्ट्रा तापमान मापने के लिए मिल रहा है, बात समझ पा रहे हो। अच्छा तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को समझिए, जो रोमर पैमाना है इसका प्रयोग इसका उपयोग हम बहुत ही कम करते हैं, आई बात समझ में भाई साहब, तो इसके बारे में ज्यादा हम पढ़ते भी नहीं है ना हमें इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत होती है, ठीक है जी। हमें सिर्फ इन तीन पैमानों के बारे में पढ़ना होता है, इन तीनों पैमानों से आपके प्रश्न भी पूछे जाते हैं भाई साहब, ठीक है जी। चलिए इसके बारे में अगर हम और जाने चीजों को तो समझिए मेरी बात को बहुत बेहतरीन तरीके से। अब अगर इसके बीच में मैं पॉइंटों को गिनूं मेरे भाई तो कुल पॉइंट मुझे 100 निकल कर आएंगे, आप देखें 0 से 1 तक एक 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 पॉइंट अगर हम गिनेंगे तो 100 पॉइंट नजर आएंगे। अच्छा 32 से लेकर अगर 212 तक मैं पॉइंट गिनूंगा तो लगभग मेरे 180 पॉइंट निकल करके आएंगे, ठीक है जी। अच्छा ऐसे ही अगर मैं 273 से लेकर के 373 तक अगर मैं गिनूंगा तो मेरे 100 पॉइंट निकल के आएंगे, ऐसे ही अगर जिसे आप करना चाहते हो तो 80 पॉइंट इसके भी निकल आएंगे, हालांकि उसकी हमें जरूरत भी नहीं है, ठीक है, हमको इन तीनों के बारे में पढ़ना है। अच्छा मैं अभी क्या है आपको बहुत बेहतरीन एक सूत्र बना के दिखाने वाला हूँ, आपको याद करना पड़ता था वो पहले, अब आप उसको याद नहीं करेंगे भाई साहब, ऑटोमेटिकली आपको वो सूत्र याद हो जाएगा मेरे इस तरीके से, आप बस देखते जाइए वीडियो को। फिजिक्स आपको याद करने की जरूरत मुझे नहीं लगता कुछ खास पड़ेगी, ऐसे ऐसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे आप देखेंगे चीजें आराम से आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। चलिए अभी देखें अगर हम तो मैं एक फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ भाई साहब, बात को समझना बहुत बेहतरीन तरीके से। देखो एक चीज पहले हम समझते हैं भाई, इस सेंटीग्रेड वाले पैमाने पर अगर हमने किसी वस्तु का तापमान 0 डिग्री माप लिया, समझना मेरी बात, किसी वस्तु का तापमान अगर हमने सेंटीग्रेड वाले पैमाने पर कितना नाप लिया, 0 डिग्री नाप लिया, तो अब अगर हम उसी तापमान को फारेनहाइट वाले पैमाने पर नापेंगे तो वो कितना डिग्री कितना दिखा रहा होगा हमको, 32 डिग्री फारेनहाइट दिखाएगा, कितना दिखाएगा, 32 डिग्री फारेनहाइट वो हमें दिखाएगा। अच्छा अब मैंने कहा कि फारेनहाइट से नहीं नाप रहा, मैं तो केल्विन में देखना चाहता हूँ केल्विन में कितना दिखाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर मैं केल्विन में उसे मापूंगा तो वो कितना दिखाएगा, 273 केल्विन दिखाएगा और रोमर में मापूंगा तो 0 रोमर दिखाएगा, बात आ रही है आपको समझ में। यानी इनका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल शुरुआती पॉइंट है इन पैमानों का भी, यानी अगर किसी वस्तु का तापमान मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया नाप लिया तो वो फारेनहाइट में 32 डिग्री दिखाएगा, केल्विन में 273 डिग्री दिखाएगा,
बात आ रही है आपको समझ में? मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। एक और बात हम समझते हैं, मान लीजिए हमने किसी वस्तु का तापमान जो है वो 100 डिग्री नाप लिया, मान लीजिए किसी मान लो गर्म पानी का ही हमने तापमान लिया, गर्म पानी को हमने जब उसका तापमान नापा तो वो सेंटीग्रेड पैमाने पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसने दिखा दिया हमें। तो अभी हम क्या करेंगे, उसको फारेनहाइट में मापेंगे, और अगर हम उसको फारेनहाइट में मापेंगे मेरे दोस्त, तो फारेनहाइट में वो हमें कितना तापमान दिखाएगा, 212 तापमान दिखाएगा, है नी? तो वो फारेनहाइट है, ये डिग्री है, डिग्री अलग है फारेनहाइट अलग है। तो जहां पर 100 डिग्री हमें तापमान दिख रहा होगा 100 डिग्री सेल्सियस, वहां पर अगर मैं फारेनहाइट को देखूंगा तो 212 फारेनहाइट दिखाएगा वो मुझे। आ रही है बात समझ में आपको? ऐसे ही अगर मैं उसी तापमान को मेरे भाई केल्विन पैमाने पर नापूंगा तो वो मुझे 373 केल्विन दिखाएगा। कितना केल्विन दिखाएगा? 373 केल्विन दिखाएगा। और रोमर पे मापूंगा तो मैं उसको 80 रोमर दिखाएगा। बात आ रही है समझ में यहाँ तक? खैर कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात आपको बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ तक समझ में आ रही होगी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्मूला बनाने का प्रयास करता हूँ। कैसे फॉर्मूला बनाऊंगा, देखो मैं पहले डिग्री सेंटीग्रेड उतारूंगा। क्या उतारूंगा मैं? डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब इसमें से ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसका, इसको माइनस कर दूंगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस करना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? और इसके वटे में, इसके अपॉन में रख दूंगा मैं ये वाले पॉइंट, कितने पॉइंट है इसमें, तो कितने हैं? 100। आई बात समझ में भाई साहब यहाँ तक? इसके बाद इक्वल का चिन्ह लगाऊंगा और अब मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगा। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? फिर वही चीज, फारेनहाइट है, फारेनहाइट को यहाँ रखूंगा, ये लो फारेनहाइट, इसमें से माइनस करूंगा। कौन सा पॉइंट माइनस करूंगा? नीचे वाला पॉइंट, आपको बताया मैंने अभी, तो नीचे वाला 32 फारेनहाइट हम इसको माइनस कर देंगे। बात आ रही भैया समझ में? और यहाँ पर वटे में नीचे क्या रखेंगे, आप खुद समझदार है बता देंगे, क्या रखेंगे? 180। बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए इससे आगे अगर हम बढ़े तो इससे आगे देखो फिर मैं क्या, केल्विन, और केल्विन में से क्या घटाऊंगा, 273 घटाऊंगा क्या नहीं भैया? और 273 घटाने पर नीचे वटे में क्या लिखूंगा, इसमें भी 100 लिखूंगा। ऐसे अगर मैं अब रोमर की बात करूं, हालांकि इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना फिर भी हम यहाँ बात कर लेते हैं, तो मैं यहाँ रोमर लिखूंगा और रोमर में से 0 घटाऊंगा और नीचे क्या लिख दूंगा, 80 लिख दूंगा। बात आ रही है यहाँ तक भैया? दिखाई दे रहा है बिल्कुल क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियर चल रही है वीडियो, दिख रहा होगा आपको। चलिए तो ये भाई साहब मैंने एक फॉर्मूला बनाया, ये इतना बड़ा फॉर्मूला देख कर डरना नहीं है, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, ठीक है? मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से फॉर्मूला बना दिया। इस फॉर्मूले को काट पीट के हम छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, आप बिल्कुल भी छोटा मत करना फॉर्मूले को। क्यों? ऐसा का ऐसा ही रहने दो, इसी से हमारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से भैया। अभी बताऊंगा अभी मैं आपको ग्रुप डी में जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई क्वेश्चन पूछे गए मैं सारे आपको बताऊंगा। इसी सूत्र से एक क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रुप डी में, कई बार पूछा जा चुका है, 2018 में कम से कम 8-10 पेपरों में वही क्वेश्चन पूछा गया भाई साहब, ठीक है? तो अभी बात करूंगा मैं इस क्वेश्चन की, कौन सा क्वेश्चन है, इसी फॉर्मूले से। अभी ये फॉर्मूला हम पे बनाना आ गया, कैसे बनाएंगे हम? सी माइनस करेंगे नीचे वाला पॉइंट और वटे में रख देंगे जितने पॉइंट है उसमें। अच्छा, फारेनहाइट रखेंगे, माइनस करेंगे नीचे वाला पॉइंट और वटे में रख देंगे जितने पॉइंट है उसमें। ऐसे ही केल्विन रखेंगे, माइनस करेंगे नीचे वाला पॉइंट और वटे में रख देंगे क्या, ये बात आ रही है आपको समझ में? ऐसे रोमर का हम करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक भैया? बिल्कुल नहीं है। इस पैमानों का इस्तेमाल कहाँ होगा, अब मैं तुम्हें आपको बताता हूँ, मैंने ये वाला जो सूत्र बताया है इसका हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, कैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो चलिए एक यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखते हैं मेरे भाई, हमसे वो पूछ ले कि भाई साहब हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं, बात करेंगे अभी। मान लीजिए मैंने कहा कि भाई साहब ये तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड को आप फारेनहाइट में बदलिए, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, या कह देगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड फारेनहाइट में कितने फारेनहाइट के बराबर है, बात आप समझ पा रहे हो? 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदलिए, ऐसे कह देगा आपसे, और पूछे जाते हैं भाई साहब ये क्वेश्चन, ठीक है जी? तो अब चेक करते हैं इसको कैसे बदलेंगे इसी फॉर्मूले से। देखिए अब हमारे पास में कोई और वैल्यू तो है नहीं, या तो ये फॉर्मूला हमें याद है और या फिर हमें ये फिर
क्वेश्चन उसने दिया है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड को हमें बदलना है, और किसमें बदलना है हमें, तो ये फारेनहाइट में बदलना है भाई साहब। तो चलिए देखते हैं। अब हमें देखो डिग्री सेंटीग्रेड दिया यानी ये वाली सूत्र, और फारेनहाइट पूछा है यानी ये वाला सूत्र। तो हम इस पूरे को नहीं लेंगे, सिर्फ इन दोनों को ले लेंगे। कैसे ले लेंगे, यहां देखिए जरा, लिखेंगे हम इसको डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड बटे 100 बराबर में क्या है इसके, फारेनहाइट वाला सूत्र है, डिग्री फारेनहाइट माइनस 32, ठीक है, माइनस 32 डिग्री और ये 180। बात आई समझ में भैया, यानी मुझे सिर्फ इन दोनों की ही आवश्यकता थी तो मैंने सिर्फ ये दो ही लिए। बात क्लियर हो रही है आपको, ठीक है। अब मैं इसको देखो बदलता हूँ, फारेनहाइट में कितना आएगा ये देखो, तो डिग्री सेंटीग्रेड देखो भाई, 0 डिग्री की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, बाकी अभी लिखा रहने दो, भी चेक करेंगे। डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू दे गई है हमें क्वेश्चन में, तो हम डिग्री सेंटीग्रेड को रख लेंगे भैया यहाँ, 37 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड बटे 100 बराबर डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 बटे 180। आई बात यहां तक समझ में भैया, ठीक है। इसके आगे की अब हम बात देखेंगे। देखो अब 37 डिग्री सेंटीग्रेड में से माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मैं घटाऊंगा तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है भैया, मुझे नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये 100 रहेगा। इधर अगर मैं देखूं तो भाई साहब 32 ये फारेनहाइट में से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाई देता हूँ, 32 रह जाएगा, ये डिग्री फारेनहाइट माइनस का 32 बट्टे 180। अब इसको मुझे पूरे को सॉल्व करना है, तो देखो इस जीरो से ये जीरो में काट दूंगा, ठीक है। अच्छा अभी मैं क्या करूंगा, अभी मुझे इसकी जो गुणा है वो इधर करनी पड़ेगी 37, तो 37 गुणा 18 बटे 10 इधर बराबर में अभी मेरे पास में क्या बच गया, फारेनहाइट माइनस का 32 अभी ये बचा हुआ है, इधर मुझे फारेनहाइट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अभी मैं इसको देखो और काटता हूँ, अगर कट जाएगा तो काट लेंगे, नहीं काटेगा तो ऐसे रहने देंगे। अब यहाँ पर जीरो है तो हमें काटने में फायदा नहीं मिलेगा, इसको ऐसा ही रहने दो तब ज्यादा फायदा मिलेगा हमें, तो इसकी गुणा कर लेते हैं। 18 सत्ते होते हैं आपके कितने, 18 सत्ते 126, तो 6 कैरिंग बचेगा आपका कितना, 12 और 18 तीया 54, 2 56 और 10 66, लगभग इतना बना भैया गुणा करने पर, 18 सत्ते 126, 12 बचेगा, 18 तीया 54 और 54 में अगर मैं क्या नाम है 12 जोड़ दूंगा तो ये बनेगा 66 वटे हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या काम करना पड़ेगा, मुझे ये घटाना पड़ेगा, इधर लाऊंगा जब मैं तो माइनस का 32 बराबर क्या लिखूंगा मैं, फारेनहाइट की वैल्यू आ गई इधर माइनस 32 पड़ते। अब मैं जब इसका एलसीएम लूंगा पूरे का, तो इसका एलसीएम कितना मिलेगा देख लू, पहले नीचे का दिखेगा भी या नहीं आपको, हाँ दिख जाएगा इधर की साइड में अगर अभी, तो नीचे मुझे एलसीएम अब इसका लेना पड़ेगा कितना, 10 और 10 एलसीएम लेकर ये है 666 माइनस इस 10 की यहाँ गुणा में करूंगा तो ये हो जाएगा और ये बराबर है किसके, फारेनहाइट के, ठीक है जी। इससे आगे अभी अगर हम बढ़ेंगे, दिख रही है ये लाइन भाई साहब, चेक करें या, बिल्कुल दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं 666 में से क्या 320 को घटाता हूँ तो कितना आएगा, देखिए 6 में से 0 जाएगी आपकी तो 6 का 6 ही मुझे रखना पड़ेगा, 6 में से 2 गया तो मुझे 4 रखना पड़ेगा, और 6 में से 3 गया तो मुझे कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, गलत तो नहीं है, ठीक है। वटे में ये रहेगा ही रहेगा और ये इधर हो जाएगा फारेनहाइट के बराबर, ये पॉइंट लग जाएगा यानी फारेनहाइट बराबर आ जाएगा आपका 34.6 फारेनहाइट। मुझे लगता है जैसे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी हो, ठीक है। अभी मैं इसको चेक करता हूँ मेरे भाई, कहाँ गड़बड़ हमने की, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक कर दी हमने। हाँ देखो भैया यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, जब हम माइनस का 32 बराबर के इधर साइड लाएंगे तो ये मुझे प्लस का करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस का हो जाएगा तो यहाँ भी मुझे प्लस करना पड़ेगा, और इसके बाद में जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये जुड़कर आएगा आपका कितना,
सिक्स और ये हो गया एट और ये हो गया 9.10 इक्वल टू फारे नाइट। ठीक है, ये आएगा। अब मैं जब इस जीरो को हटाऊंगा तो यहाँ पर मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस तरीके से, फारे नाइट में 98.6 फारे नाइट। ठीक है भाई साहब, तो बात आप समझ पाए होंगे सूत्रों का प्रयोग हमें कैसे करना है, इस फॉर्मूले का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, किन क्वेश्चनों में करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कैसे, मनुष्य का जो तापमान है, मानव शरीर का जो तापमान है वो फारेनहाइट में कितना होता है, सब जानते हैं 98.6 फारेनहाइट होता है भैया। ना जानते हो तो याद कर ले, हमारा जो टेम्परेचर होता है हमारे शरीर का वो 98.6 फारेनहाइट होता है। अच्छा, अब अगर इसी 98.6 फारेनहाइट को वो पूछ ले के मानव शरीर का तापमान कितना होता है, अब हमें याद है मान लीजिए 98.6 फारेनहाइट, लेकिन ऑप्शन में दे रहा है डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर, डिग्री सेल्सियस में आंसर। ठीक है, तो हमें अब कैसे निकालना है, इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से इस फारेनहाइट को इसमें बदल देना है डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री सेल्सियस में बदल देंगे। कोई दिक्कत है भैया, तो हम यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ से वहां भी जा सकते हैं, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होगी, बहुत आसानी से आप आंसर निकाल लेंगे। अच्छा देखो, इसका मतलब भाई मानव जो शरीर है उस मानव शरीर का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में भी अलग है, फारेनहाइट में अलग है और आपका केल्विन में अलग होगा, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि मानव शरीर का जो तापमान होता है वो बताइए डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है। तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा भाई साहब, अभी हमने बताया आपको 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अगर यही तापमान में बात करूं फारेनहाइट में, तो अभी चेक करा हमने 98.6 फारेनहाइट। अच्छा, अगर इसी तापमान को मैं केल्विन में और चेक करूं, अगर इसी फॉर्मूले से आप केल्विन में चेक करोगे तो 310 केल्विन आ जाएगा। कितना, 310 केल्विन। एक बात ध्यान रखना मेरे भाई कि फारेनहाइट पर भी डिग्री लगाते हैं हम, सेल्सियस पर भी डिग्री लगाते हैं, लेकिन केल्विन पर डिग्री नहीं लगाते, बात आप समझ पा रहे हो। चलिए, खैर कोई दिक्कत, तो ये मानव शरीर का टेम्परेचर है, मानव शरीर का तापमान है भाई साहब, इसको याद रखना, इन तीनों पॉइंटों को पेपर में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने बराबर होते हैं, ऐसा कौन सा तापमान है जिस पर डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट बराबर होते हैं। तो इसका भी आंसर आप याद रखना, -40 डिग्री जो है ये ऐसा तापमान है कि डिग्री सेंटीग्रेड में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तब भी ये -40 ही आएगा, और अगर इसको हम क्या नाम है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तब भी -40 आएगा, और इसको फारेनहाइट में चेंज करेंगे तब भी कितना आएगा, तब भी -40 आएगा। बात आ रही है आपको समझ में, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है भाई। चलिए, इसके आगे अगर हम बात करिए, आपने बना लिए होंगे और समझ भी गए होंगे आप इस फॉर्मूले को, अभी हम देखेंगे और उसमें में क्या हमें पढ़ना है। चलिए, यहाँ से भाई साहब क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, और जो मैं बात कर रहा था ना कि कौन सा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो यही है भाई साहब, ग्रुप डी 2018 में भी कम से कम 8 से 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट बराबर होते हैं। तो -40 पर डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा, इससे आगे अगर हम देखें और थोड़ी सी बातों को जानेंगे मेरे दोस्त, चलिए इससे आगे की अब हम बात करते हैं। तो देखते हैं जरा, ये हमने तापमान की बात करी और इसमें हमें क्या करना चाहिए, हाँ एक होता है मेरे भाई परम शून्य ताप, परम शून्य, ठीक है जी, परम शून्य ताप। अच्छा, ये परम शून्य ताप क्या बला है, मैं अब आपको इसको बताऊंगा मेरे दोस्त। परम शून्य ताप बहुत ही बेहतरीन चीज है ये परम शून्य ताप, ठीक है। अगर मैं देखूं परम शून्य ताप की बात, तो भाई साहब परम शून्य ताप वो तापमान है जो आपको कभी नहीं मिलता, क्या समझे, परम शून्य तापमान वो तापमान है जो आपको कभी नहीं मिलता, क्योंकि ये बहुत ही निम्न तापमान है, बहुत ही निचला तापमान है मेरे दोस्त, और इसकी वैल्यू आपसे पेपर में पूछी जाती है कि परम शून्य ताप किसे कहते हैं,
किस तापमान को परम शून्य ताप कहेंगे? तो पहला ऑप्शन आपके सामने आएगा जीरो केल्विन। भाई साहब जीरो केल्विन को हम क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। अब मान लीजिए केल्विन में आपके सामने ऑप्शन ना हो, तब उस स्थिति में हम क्या कहेंगे इस बात को भी हम जान लेते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, वैसे तो इसका आंसर यही हो जाएगा जीरो केल्विन, लेकिन अगर बात हम करें किसकी, इसी को हम डिग्री सेंटीग्रेड में कितना कहेंगे, तो डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा जाता है भैया पेपर में ग्रुप डी 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए कई बार। ठीक है, ये दोनों का आप पूछे जाते हैं, ये जीरो केल्विन हो गया और एक होता है माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस। बात आपकी आई समझ में? ये दो तापमान है, फारेनहाइट वगैरह का नहीं पूछा जाता। ठीक है, आपको बस ये दो याद रखने हैं कि जीरो केल्विन को हम परम शून्य ताप कहते हैं और अगर इसी को अगर हम डिग्री सेल्सियस में देखें तो -273.15 डिग्री सेल्सियस को हम परम शून्य ताप कहेंगे। ठीक है, चलिए और मोटी मोटी सी बात हम जानेंगे सूर्य के ताप की। किसके ताप की? सूर्य के ताप की। भाई साहब ये जो सूर्य देवता है हमारे, ये है देवता, कौन है हमारे देवता। तो इन सूर्य देवता की अगर बात करें तो इनका प्रकोप तो आप जानते हैं बड़ा ही भयंकर है भाई साहब। ठीक है, तो ये सूर्य देवता है। तो ये जो सूर्य देवता है, इसकी सतह का टेम्परेचर अगर हम देखें, ये जो सतह है इनकी, इसकी सतह का टेम्परेचर, इसकी सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है इसकी सतह का तापमान। और भाई साहब इसके केंद्र की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं मैं, इसके केंद्र की। ठीक है, तो केंद्र का इसका तापमान लगभग लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, तापमान होता है सतह का तापमान। ठीक है जी, कोई दिक्कत भी है, ये भी आपको वैल्यू याद रखनी है। इधर आपकी बात कर लेते हैं किनकी, चंदा मामा दूर के दही पकौड़े दूर के। किसकी बात कर रहे हैं हम मेरे भाई? चंदा मामा की। तो ये लीजिए भाई साहब, ये रहे आपके चंदा मामा। अगर हम बात करें चंदा मामा यानी चांद, किसकी? चांद। चांद की बात हम करें यानी इसको अगर हम दूसरे शब्दों में कहें मेरे भाई, चंद्रमा कह दो, चंद्रमा। ठीक है जी, तो चंद्रमा का जो तापमान है अगर इसकी बात करें, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, तो इसका देखिए रात का तापमान अलग होता है और दिन का तापमान अलग होता है। तो भाई साहब रात का जो टेम्परेचर है इसका, वो तो पहुंच जाता है -180 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, और भाई साहब इसका दिन का जो तापमान है वो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है जी, बात आप समझ पा रहे हो भैया, इतना भयंकर तापमान। चलिए अच्छा, और अगर हम देखें यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया, अभी हल्के हल्कों की बात कर रहे हैं, अभी और चैप्टर में दम आएगा। अच्छा, ये जो सूर्य का तापमान है मेरे भाई, ये किस पैमाने से मापा जाता है? सूर्य का ताप किस पैमाने से मापा जाता है, कौन से थर्मामीटर से मापा जाता है, ये पूछा जाता। तो इसका नाम है मेरे भाई उच्च पायरोमीटर। क्या कहते हैं इसको? उच्च पायरोमीटर है मेरे भाई, और इस पायरोमीटर से मापा जाता है उच्च तापमान। क्या है? पायरोमीटर, पायरोमीटर। ठीक है जी, पायरोमीटर, ये उच्च तापमापी यंत्र है मेरे भाई। पायरोमीटर जो है, क्या है? पायरोमीटर उच्च तापमापी यंत्र है। ठीक है जी, और इसकी अगर मैं बात करूं आपसे कि पायरोमीटर जो कितना तापमापता है, तो ये भाई साहब 800 डिग्री सेल्सियस से तो शुरू होता है, इससे नीचे का तापमान नहीं नाप पाएगा ये, इससे ऊपर का। ये क्या है? विकिरणों द्वारा तापमान को डिटेक्ट करता है, विकिरणों से पता लगाता है कि जहां से ये विकिरण आ रही होंगी वहां लगभग इतना तापमान होगा। बात आप समझ पा रहे हो? 800 से और लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक ये ताप माप देता है आपका। कौन है ये? पायरोमीटर। इस पायरोमीटर को क्या कहा जाता है? उच्च तापमापी। क्या है ये? उच्च ताप मापी है भाई साहब, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है उच्च ताप मापी। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको क्या है तापमान मापने के दो चार और पैमाने पढ़ाता हूँ, उसके बाद हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये पैमाने आपसे पूछे भी जाते हैं भाई साहब, हल्के में मत लेना,
हल्के में कुछ नहीं है, पैमाने आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से पैमाने हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, उन पैमानों की अभी हम बात करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तो चलिए बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं वीडियो में। इसके बाद की अगर हम बात करें अब हम एक दो तापमापी और पढ़ते हैं मेरे दोस्त, कौन कौन सी तापमापी है जरा देख लेते हैं हम। ठीक है, एक तापमापी यंत्र होता है भैया, एक तापमान है जिसको हम कहते हैं पारा तापमापी, पारा तापमापी। अच्छा, ये जो पारा तापमापी यंत्र है भाई साहब, ये कहां से कहां तक का तापमान मापता है जरा इसकी हम बात कर लेते हैं। पारा तापमापी वो है मेरे भाई जो आपने लगभग डॉक्टरों के आसपास देखा होगा, डॉक्टर जो होता है ना बुखार नापने वाला, आप तो इलेक्ट्रिक चल गए तो पारा ताप मापी है वैसे। ठीक है, तो ये कहां से कहां तक का ताप माप सकता है, ये -38 डिग्री सेल्सियस से लेकर के आपका 357 डिग्री सेल्सियस तक का ताप माप देता है। ये -38 से लेकर के कहां तक का ताप माप देगा भाई साहब, 357 तक का ताप। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, बुखार वगैरह नापने के लिए, डॉक्टर वगैरह जो करते हैं वो इसी तापमापी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये इसको हम एक और बात कह सकते हैं, ये क्या है, 0 डिग्री से, क्या है, 0 डिग्री से ऊपर ऊपर का ताप मापता है, ये 0 डिग्री से ऊपर का ताप मापता है भैया। ठीक है जी। अच्छा, एक और तापमापी यंत्र है मेरे भाई जिसको हम कहेंगे एल्कोहल, क्या कहेंगे, एल्कोहल तापमापी, एल्कोहल तापमापी। अच्छा, ये जो एल्कोहल तापमापी है ये क्या काम करता है भाई साहब, ये आपका -172 डिग्री से लेकर के, किससे, -172 डिग्री से लेकर के और ये लगभग 78 तक का ताप मापता है, 78 तक का ताप ये माप देता है। तो इसको भाई साहब निम्न तापमापी भी कहते हैं हम आपको। इसमें किसका ताप मापा जाता है, 0 डिग्री से कम का ताप मापते हैं, 0 डिग्री से कम का जो ताप मापते हैं हम किससे मापते हैं, वो एल्कोहल तापमापी यंत्र से मापते हैं। अच्छा, एक होते हैं गैसीय तापमापी, गैसीय तापमापी। अच्छा, ये गैसीय तापमापी है, इससे आपसे सिर्फ इतनी सी बात पूछी जाएगी कि गैसीय तापमापी जो आपका वो है, गैसीय तापमापी जो आपका पैमाना है, इसमें कौन सी गैसों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपकी एक तो की जाती है मेरे भाई हाइड्रोजन, क्या की जाती है, हाइड्रोजन। ठीक है भाई साहब, हाइड्रोजन। दूसरी एक और गैस इसमें प्रयोग की जाती है, उसका नाम क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है जी। अच्छा, नाइट्रोजन प्रयोग कर सकते हैं हम इसमें, हाइड्रोजन प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं, और एक और हम इसमें गैस प्रयोग कर सकते हैं जिसका नाम है हीलियम, क्या है, HE, हीलियम। ठीक है जी। ये गैसीय तापमापी जो है उसमें हम हाइड्रोजन कर सकते हैं, नाइट्रोजन का भी कर सकते हैं और फिर हीलियम का भी कर सकते हैं। तो ये तीन तापमापी मैंने आपको बताई हैं, ये क्या है आपका 0 डिग्री से ऊपर का मापेगा, ये क्या है आपका 0 डिग्री से नीचे का मापेगा, और ये गैसीय तापमापी है, इनका इस्तेमाल हम कर लेते हैं कभी, यहाँ भी कर लेते हैं, लेकिन इनके गैसों से चलते हैं, बात आप समझ पा रहे हो, ये एल्कोहल इनमें भरी होती है, इनमें गैसें भरी होती हैं, इसमें पारा भरा होता है तापमान में। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात अगर हम लिखें मेरे भाई, तो एक क्वेश्चन है ये भी आ जाता है पेपर में कि 0 डिग्री कितना, 0 डिग्री के आस पास का ताप मापने के लिए किस तापमापी का प्रयोग किया जाता है, 0 डिग्री के आसपास का ताप मापने के लिए हम किस तापमापी का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त चुंबकीय तापमापी, चुंबकीय तापमापी। बात क्लियर हुई भाई साहब,
कि 0 डिग्री के आसपास का जो ताप हम मापते हैं वो किस तापमापी से मापते हैं मेरे भाई, तो वो है चुंबकीय तापमापी। ये मैंने 3-4 आपको तापमापी के पैमाने बताए, इनसे पहले 3-4 हमने और भी पढ़े, लगभग 8 पैमाने में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए इसके आगे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर एक चीज और हम जान लेंगे मेरे भाई कि जो तापमापी है इसमें हम पारे का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कई बार, सिर्फ इतनी सी बात पूछ ली जाती है कि भाई साहब ताप मापने के जो यंत्र हैं उनमें पारे का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब पानी का कर लो, सस्ता पड़ जाएगा, बात आ रही है आपकी समझ में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या रीजन है कि हम पारा तापमापी को बेहतर भी मानते हैं, ठीक है, और ज्यादातर पारे का इस्तेमाल करते हैं तापमापी यंत्रों में। तो उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं कि जो पारा है ना आपका पारा, इस पारे की बात अगर मैं करूं, पहली बात तो ये कि ये प्रत्येक ताप पर इसका जो प्रसार समान रहेगा, प्रत्येक ताप पर प्रसार समान, प्रत्येक ताप पर क्या होगा, इसका जो प्रत्येक ताप पर प्रसार है वो समान रहेगा। इसका क्या मतलब है, इस बात को जरा हम समझें। मतलब कहने का ये है, मान लीजिए ऐसा नहीं है कि 1 डिग्री तक तो भैया क्या नाम है, जैसे मान लीजिए ये तो पैमाना है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, इसमें नंबरिंग लिखी हुई है, ये 1, 2, 3, 4 इतनी मान लीजिए। अब हमने क्या काम करा, हमने क्या है इस पारे से नापा तापमान, ठीक है, तो नापा तो उसने यहां दिखा दिया हमें कि भाई साहब 1 डिग्री आपका चढ़ गया पारा। अब ऐसा नहीं है 1 डिग्री मान लीजिए जब चढ़ा, जब हमने क्या नाम है 1 किलो लकड़ी की अग्नि फूंक दी, बात समझ पा रहे हो, 1 किलो लकड़ी हमने जलाई, उससे जो ऊष्मा उत्पन्न हुई उस ऊष्मा को जब हमने मापा है नी, तो हमें वहां पर कितना ताप मिला, तो उससे हमें ताप प्रोड्यूस हुआ मान लीजिए 1 डिग्री ताप मिला। अब ऐसा नहीं है कि हम उसी समय 1 किलो और लकड़ी अगर हम जला दें और उसमें अगर उससे ऊष्मा उत्पन्न करें तो क्या उससे 3 पॉइंट बढ़ जाएंगे, नहीं भाई साहब, पारे की ये खास बात है वो अब भी 1 ही पॉइंट बढ़ेगा उसका, यानी प्रत्येक ताप पर, यानी टेम्परेचर आप उसको जिस तरीके से दे रहे होंगे वो इस तरीके की कैलकुलेशन करेगा कि प्रत्येक ताप पर उसका जो प्रसार है समान रहेगा, बात आ रही है समझ में, प्रसार समान रहेगा, यानी ऐसा नहीं फैलेगा नहीं हो कि चढ़ने नहीं लग जाएगा अपने आप ही, उतने ही ताप पे एक जगह चढ़ने लग गया, दूसरी जगह गए, दूसरे जगह में हमने पारे को मापा तो इतने ही ताप पे और ज्यादा चढ़ गया, ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपने यहाँ अपने पारे के थर्मामीटर से माप लिया कि भाई साहब 37 डिग्री आ रहा है, अब ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप गाजियाबाद पहुंचोगे और आप वहां मापोगे तो वहां पे मान लीजिए 38 आने लग जाए, 39 आने लग जाए, ऐसा नहीं होता, अगर 37 है तो 37 ही दिखाएगा भाई साहब, बात आ रही है समझ में। दूसरी बात, इसके ससंजक बल के कारण, ससंजक बल अधिक होता है, मजबूत, ससंजक बल जो होता है इसका वो मजबूत होता है। अच्छा, ये ससंजक बल क्या बला है अभी आपको समझ नहीं आएगी मेरे विचार से, आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ससंजक बल मेरे भाई साहब वो बल है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। अब ये जो बल है ये जब समझ में आएगा जब हम पृष्ठ तनाव पढ़ेंगे, ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इतनी सी बात जानो कि पारे के 2 महत्वपूर्ण रीजन है जिसकी वजह से हम उसको थर्मामीटर में इस्तेमाल करते हैं। पहला तो ये कि प्रत्येक ताप पर इसका प्रसार समान रहेगा, दूसरा ये कि ये ससंजक बल जो होता है इस पारे के अंदर वो मजबूत होता है, बात आ रही है आपको समझ में। चलिए इससे ऐसे भी समझ लीजिए, मान लीजिए हम पानी की बूंद को फेंके कपड़े पर तो क्या हो जाएगी, पानी की बूंद जो है फैल जाएगी कपड़े पर, और यदि हम पारा उसी कपड़े पर फेंके तो पारा फैलेगा नहीं, वो गोल हो जाएगा, गोल बन जाएगा वो पारा, गोल का मतलब जब बूंद होती है ना बूंद जल की, ऐसे गोल बन जाएगा लेकिन वो उसको भिगो नहीं पाएगा, ठीक है, ऐसे कांच को नहीं भिगो पाता, बहुत सारी रीजन है इसके, ठीक है। चलिए इसके बाद अभी हम और बात करते हैं मेरे दोस्त, इसी चैप्टर में बहुत सारी बातें हैं, कई पार्टों में, लगभग 2 से 3 पार्टों में हम इसको खत्म करेंगे, बहुत आसानी से और बहुत आराम से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। कोशिश मेरी ये रहेगी कि अगर आप पूरी फिजिक्स पढ़ लेते हैं भाई साहब तो ये लगा लीजिए आपका कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स से तो छुटने वाला है नहीं, ग्रुप डी मान लीजिए आपकी पक्की है भैया,
ग्रुप डी लायक बहुत बेहतरीन साइंस में आपको कराऊंगा। ज्यादातर मैंने क्वेश्चन भी जो ले रखे हैं, हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, एक चैप्टर के बाद फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो वो जो क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं भाई साहब, ज्यादातर, ठीक है, सभी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन ज्यादातर एग्जाम में आए हुए होते हैं, ठीक है जी। चलिए अभी इससे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ मेरे भाई, हम देखेंगे, एक तो हम ऊष्मा और एक शब्द है मेरे भाई, ये ऊष्मा हुआ, एक ताप, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर देखेंगे भाई साहब, ऊष्मा और ताप में अंतर क्या होता है, क्योंकि अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पाई होगी आप लोगों को, ऊष्मा क्या बला है और ताप क्या बला है, ठीक है, तो हम थोड़ा सा अंतर देखेंगे किसमें, ऊष्मा में और ताप के अंदर, ठीक है मेरे भाई। बिल्कुल, तो देखते हैं, सबसे पहली बात अगर मैं कहूं इस ऊष्मा की, पहली बात तो पहले नंबर की बात तो ये कि ऊष्मा क्या है, तो ऊष्मा ऊष्मा जो है क्या है, एक ऊर्जा है, ऊष्मा क्या है, एक ऊर्जा है या ऊर्जा का रूप है, ठीक है जी, ऊर्जा का रूप है ऐसा कह दीजिए, या तो आप ये कह दीजिए कि ऊष्मा क्या है, एक ऊर्जा है या फिर ऊर्जा का रूप है, लेकिन ताप क्या है, ताप जो है ऊष्मा का प्रभाव है, ताप क्या है, ताप ऊष्मा का प्रभाव प्रभाव है, ताप क्या है, ऊष्मा का प्रभाव है, देखिए ऊष्मा ऊर्जा है जबकि ताप ऊष्मा का प्रभाव है, बात आ रही है आपको समझ में। चलिए और अगर हम इसके एक आध और अंतर की बात करें हम, तो आपको पता होगा मेरे दोस्त के ताप कि ये ताप जो है मेरे भाई ये क्या है, ये हमें ये किसी वस्तु की क्या है, ऊष्मा की मात्रा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी, ताप क्या है, ताप किसी वस्तु की ऊष्मा की मात्रा को रिप्रेजेंट करता है, कहने का मतलब ताप एक प्रमाण है, हम ये भी कह सकते हैं कि प्रमाण है ताप कि कितनी गर्म है वस्तु, क्या है उसकी प्रकृति को यह बताता कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है वस्तु, ऊष्मा उसमें कितनी होगी, कितनी उसमें अधिक ऊष्मा है कितनी उसमें कम ऊष्मा है, ये बात बताएगा हमें ताप, लेकिन ऊष्मा क्या है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, ये क्या है, ये कार्य कराती है या फिर कार्य कराने से उत्पन्न होती है मेरे भाई, क्या, आपकी ऊष्मा। तो ऊष्मा और ताप में छोटा सा अंतर है, इस बात को आप समझना कि ऊष्मा ऊर्जा है और ताप ऊष्मा का प्रभाव है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ग्रुप डी 2018 में, कैसे क्वेश्चन पूछा गया था जरा क्वेश्चन सुनिए मेरे भाई, क्वेश्चन पूछा था कि ऊष्मा निम्न में से क्या है, वहां पर ऑप्शन ये था कि ऊष्मा एक ताप है, ऊष्मा एक ऊर्जा है, बात आ रही है समझ में, इस तरीके से ऑप्शन थे, तो आंसर क्या था हमारा, ऊष्मा एक ऊर्जा है या ऊर्जा का रूप है, ठीक है भैया, इतनी सी बात क्लियर हुई। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं चीजों को, ठीक है, अब हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और भी कई सारी चीजें हम इस ऊष्मा चैप्टर के विषय में जानेंगे मेरे भाई, ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं और बेहतर तरीके से हम ऊष्मा की, ठीक है, अभी मैं जो आपको कराऊंगा मेरे भाई वो मैं कराऊंगा क्या, तो भाई साहब मैं कराऊंगा जल, जल के विषय में महत्वपूर्ण ताप, जल के महत्वपूर्ण ताप या तापमान कह दीजिए, ये पेपर में पूछे जाते हैं बात सब, पांच लाइन में आपको बताऊंगा जल के विषय में, ठीक है, वो पांचों की पांचों आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात मेरे भाई कि इस ये जो जल है इसका जो भाई साहब आपका जमाव बिंदु है, जमने का हिमांक बिंदु जिसको कहते हैं हिमांक, हिमांक जल का हिमांक होता है 0°C, ये बात आपको याद रखनी है। इसका क्वथनांक, क्वथनांक होता है इसका 100°C,
बात आ रही है समझ में? चलिए आती जाएंगे अभी। अब जल का होता है एक त्रिक बिंदु, क्या होता है त्रिक बिंदु, त्रिक बिंदु, ये त्रिक बिंदु होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस का। अब इसको कैसे भाई साहब, ये त्रिक बिंदु क्या मसला है, इसको मैं तुम्हें समझाता हूं। त्रिक बिंदु का मतलब है जल की, जल का वह अवस्था, जल की वह अवस्था किस तापमान पर होती है जिसमें जल हमें तीन रूप में मिल जाता है। तीन रूप का मतलब जल यानी कि हमें बर्फ भी मिले, कुछ पार्ट उसका तरल भी मिले हमें तरल के रूप में, और कुछ पार्ट उसका गैस के रूप में ऊपर भी उड़ रहा हो। बात आ रही है आपको समझ में? यानी तीनों रूप में हमें किस तापमान पर जल मिलता है, त्रिक बिंदु इसको हम कहते हैं जल का। कहां? इस बिंदु पर यानी 0.01 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जल जो है तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। तीन अवस्था कौन कौन सी? एक ठोस अवस्था यानी बर्फ भी मिलेगी उसमें, एक आपकी द्रव अवस्था यानी जल भी मिलेगा उसमें, एक आपकी गैस अवस्था यानी भाप भी मिलेगी आपको उसमें। तो कुल मिलाकर के तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं जल की, और कब पाई जाती हैं? 0.01 डिग्री सेल्सियस पर। बात आई समझ में भैया? अच्छा, एक होता है जल का आयतन न्यूनतम कहां कब होता है, जल का घनत्व अधिक कब होता है। तो जल का न्यूनतम आयतन, न्यूनतम आयतन, तो जल का जो न्यूनतम आयतन होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का न्यूनतम आयतन होता है। और अगर मैं बात करूं अधिकतम, अधिकतम अधिकतम घनत्व, अधिकतम घनत्व की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। भाई साहब ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ही बेहतरीन 5 पॉइंट है ये, ठीक है जी। और ये एक पॉइंट मैंने आपको पहले कराई दिया है जल का, कि जल का जो तापमान है वो एक एक ग्राम जल का, कितने ग्राम जल का, एक ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा हम प्रोड्यूस करते हैं, जो ऊष्मा हम देते हैं जल को, वो क्या कहलाती है, एक कैलोरी कहलाती है। बात आई समझ में? एक कैलोरी कहलाती है। तो भाई साहब ये जल के 5 बिंदु मैंने आपको लिखवाए, हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस है, क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस है, त्रिक बिंदु 0.01 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस है, अधिकतम घनत्व जो होता है जल का वो भी 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। बात इतनी सी आई आपको समझ में? चलिए ये जल के 5 पॉइंट मैंने आपको लिखवाए हैं तापमान से रिलेटेड। पेपर में पूछे जाते हैं भाई साहब ये आयतन, वो जो क्वेश्चन है ना, ये समझ लो पूछे हैं, ये पेपर में पूछे हैं भाई साहब। आरती कर लो इन दो क्वेश्चन की, कौन से बताए मैंने अभी तुम्हें, 4 डिग्री सेल्सियस वाले जो दो क्वेश्चन है ना जल के बारे में, कते धूप बत्ती लगा के ना याद कर लो, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे हैं भाई साहब 100% 2018 में भी आए हैं, कई बार आए हैं, और 100% में गारंटी ले सकता हूँ 2021 में जो भी पेपर होगा अब ग्रुप डी वाला, उस ग्रुप डी के पेपर में ये 4 डिग्री सेल्सियस वाला क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ये नहीं कह सकता किसके एग्जाम में, लेकिन ये पक्का श्योर हूं पेपर में क्वेश्चन आएगा जरूर, हो सकता है आप में से किसी एक के में आ जाए, इसलिए याद रखना भाई साहब इस चीज को, ठीक है। चलिए इससे आगे की बात अभी मैं करता हूं, इससे आगे की बात मैं करता हूं भाई साहब आपसे, और इससे आगे की क्या बात करेंगे जरा देखेंगे चीजों को। अब क्या है, मैं आपको कुछ अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए हमें अगर जल है, यानी जल का मतलब द्रव है, द्रव लिख लो, द्रव है, और इस द्रव से क्या बना हूं, मान लीजिए मैं ठोस बनाना चाहता हूं, इस द्रव से क्या बना रहा हूं मैं, ठोस। तो भाई साहब इसको क्या कहेंगे, तो द्रव से ठोस बनने की स्थिति जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हिमांक। क्या कहते हैं इसको, हिमांक कहते हैं। क्या बनाया मैंने, द्रव से ठोस बनाया, तो इसको क्या कहेंगे, हिमांक कहेंगे। अच्छा एक और बात समझे, अब अगर मैं मान लीजिए ठोस से क्या बनाऊं, द्रव बनाने लग जाऊं, यानी मेरे पास ठोस है और मुझे उससे क्या बनाना है, द्रव बनाना है,
तो मैं इसको क्या कहूंगा, मैं इसको गलनांक कहूंगा। क्या कहूंगा? गलनांक। इसको क्या कहूंगा मेरे दोस्त? मैं गलनांक कहूंगा, क्योंकि ठोस को गलाकर ही तो मैं उसको द्रव बनाता हूं, और द्रव को जमाकर यानी हिमांक, हिमांक में जमना ही होता है, जमाकर मैं उसको ठोस बनाता हूं। बात आई समझ में भैया? तो द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि किसी द्रव को ठोस में बदला जाता है तो उसको क्या कहते हैं या उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भाई साहब द्रव को ठोस में बदलेंगे उस प्रक्रिया को हिमांक कहेंगे। बात आ रही है भैया समझ में? चलिए और बात करते हैं। मान लीजिए अभी इस द्रव को मैं कुछ और बनाना चाहता हूं, क्या बना लूं? ये लीजिए, मैं इस द्रव को क्या, गैस, मेरे पास द्रव है और इस द्रव को क्या बनाता हूं, मैं गैस बनाता हूं। तो इसको गैस बनाऊंगा तब इसको मैं क्या कहूंगा? तो इसको मैं कहूंगा वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, सॉरी वाष्पन कह दो चाहे, वाष्पीकरण। ठीक है भाई साहब, इसको मैं क्या कहूंगा? वाष्पीकरण कहूंगा। ठीक है, चलिए इसको ब्रैकेट में वाष्पन भी लिख लेना, वाष्पन शब्द ज्यादा लिखा मिलेगा आपको पेपर में। अच्छा अभी मैं अब क्या करूं, मान लीजिए मैं तो भाई साहब गैस से सीधा क्या बना रहा हूं, ठोस बना रहा हूं। गैस से मुझे सीधा क्या बनाना है? ठोस बनाना है। तो इस प्रक्रिया को मैं क्या कहूंगा मेरे भाई? अगर मुझे गैस से कोई चीज डायरेक्ट ठोस बनानी है तो इसको मैं निक्षेपण कहूंगा। क्या कहूंगा मेरे दोस्त? इसको कहूंगा मैं निक्षेपण। इसका नाम पेपर में आता भी नहीं है और भूल भी जाते हैं, तो ये है निक्षेपण। भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, ये पेपर में नहीं पूछा जाता, बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है, निक्षेपण। लेकिन क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कि भाई साहब किसी ठोस से सीधा अगर मुझे क्या बनाना हो, ठोस से मुझे सीधी गैस बनानी है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। ठीक है जी, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे मेरे भाई? इस प्रक्रिया को कहेंगे ऊर्ध्वपातन। अच्छा एक और, अच्छा अभी अगर मैं क्या करूं, इस गैस से सीधी ठोस बनाने लगता हूं, मैं इस गैस से क्या काम करूं, सीधा का सीधा बना दूं मेरे भाई ठोस, तो इस चीज को मैं क्या कहूंगा? इस चीज को कहूंगा मैं संघनन, इस चीज को क्या कहूंगा मैं? इस चीज को कहूंगा संघनन। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई भैया, इसको सही कर लेंगे जरा। इसको मैं संघनन नहीं कहूंगा, सॉरी देखो ये निक्षेपण कहूंगा मैं इसको, इसको सही कर लेना भैया, ये गलती से हो गई है, निक्षेपण। और इस वाली प्रक्रिया को मैं कहूंगा क्या? संघनन। ठीक है जी, संघनन। गैस से द्रव बनाने की जो प्रक्रिया उसको संघनन कहेंगे, और गैस से ठोस बनाने की जो प्रक्रिया उसको निक्षेपण कहेंगे। बात आई समझ में भैया? चलिए मैं इस वीडियो को यहीं रोकने का प्रयास करूंगा, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बहुत ही बेहतरीन पार्ट होगा नेक्स्ट पार्ट जो होगा, क्योंकि अभी क्या है, अभी सिर्फ इसमें पार्ट में मैंने आपको ऊष्मा की मोटी मोटी सी चीज कराई है, जिनसे क्वेश्चन भी बनते हैं और जिससे हमें पता चले कि ऊष्मा में ये चीजें होती हैं। अब जो इसके कथन है, सिद्धांत है, कई सारी चीजें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं भाई साहब आपसे, ताप से संबंधित किरचॉफ लॉ और न्यूटन का शीतलक नियम, कई सारे नियम है भाई साहब, वो सारे नियम हम इससे अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है भैया, तो अभी के लिए हम वीडियो को इतना ही रोकते हैं, और आपसे उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप लाइक जरूर कर दें भाई साहब हमारी वीडियो को, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बुरी लग रही हो तो भैया डिसलाइक भी जरूर कर दें। ठीक है जी, और अगर कुछ कमी है तो हमें जरूर बताएं आप कमेंट करके भाई साहब, मैं पूरा प्रयास करूंगा उस कमी को सुधारने का। ठीक है जी, अच्छा आप अगर ये कमी आपको लग रही हो कि बार बार मैं सामने से हट जाता हूं, तो समस्या ये है क्योंकि मैं अकेला ही वीडियो बना रहा होता हूं,
तो मुझे बार बार जाकर के देखना पड़ता है, ब्लर तो नहीं होगी। कई बार क्या हो, वीडियो चलते चलते ब्लर हो जाती है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, और आशा करता हूं आपको चीजें समझ आई होंगी।